आशीष भाई फिश करी खाने का मन पड़ा। तभी तो कॉल आ रहा तेरा। हाँ मैं समझ गया था आज तेरा कुछ मन और ही कर रहा है। फिश करी विद राइस। तभी तेरे को मैंने बोला, मैंने कहा फिश करी खाने तो सीआर पार्क चलते हैं। और सीआर पार्क आ गए। आज हम सीआर पार्क आ गए। सीआर पार्क कहाँ पे आ गए? ये माँ तारा रेस्टोरेंट है, ये काफी फेमस है, बहुत फेमस है यहाँ पे। बंगाली ऑथेंटिक फूड मिलता है यहाँ पे, बिल्कुल सारी बंगाली कम्युनिटी यहाँ पे, सारी बंगाली कम्युनिटी, मतलब मिनी कलकत्ता है ये एक तरह से, बिल्कुल जो कलकत्ता के जितने आइटम्स हैं खाने के सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, सारा मिल जाएगा। पापड़ा फिश मिलती है यहाँ पे, अच्छा बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं इनकी एक बेस्टी दही आती है, बहुत बढ़िया कुल्लड़, कुल्लड़ के अंदर मिलती है वो। अच्छा ओहो, एक काम करते हैं ट्राई करते हैं, जरूर जरूर बंगाली ऑथेंटिक फूड को आप ट्राई करते हैं और एमबीएस दिखाते हैं अंदर का, एमबीएस का है और आपको प्राइस भी बताते हैं। चले आइए भैया। ये शुभ्रजीत दादा है हमारे साथ, यहाँ के ओनर है माँ तारा रेस्टोरेंट के। दादा कितना टाइम हो गया ये? इसको हो गया 26 साल। 26 साल हो गए? 26 साल से आप ही रन कर रहे हैं इसको? नहीं, मम्मी पापा कर रहे थे, उसके बाद अभी मैं और मेरा भाई ट्राई कर रहे हैं इसको। अच्छा, अरे वाह, क्या क्या चलता सबसे ज़्यादा? मतलब मेरे ख्याल से बंगाली ऑथेंटिक फूड है यहाँ पे। आप मटन ट्राई कर सकते हो, भेट की पातुरी ट्राई कर सकते हो, पापड़ा ट्राई कर सकते हो। अच्छा, स्टार्टर्स में फिश कुरकुरे ट्राई कर सकते हो। अरे वाह, वो ट्राई कर सकते हो, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैंने मेन्यू में रखा हुआ है। ओके, और अगर आपको बहुत लाइट खाना है तो लूची के साथ आलू दम खा सकते हो, वेज में ढोकर डालना खा सकते हो। लूची क्या है? पूड़ी होता है? लूची पूड़ी नहीं होता, लूची होता है मैदे से बनता है। मैदे से बना होता, इसलिए वो वाइट। अच्छा, आटे में रेड हो जाता है और पूड़ी थोड़ा सा वाइटिश रहता है। फिश करी विद राइस, फिश खा सकते हो। फिश करी एंड राइस में आप मतलब ग्रेवी में भी अलग अलग ग्रेवी है अपने पास, अलग अलग ग्रेवी, जैसे दोई माछ है। अच्छा, दोई माछ में होता है दही, एक खट्टा मीठा, एक वो वाला फ्लेवर आता है। सरसों है, सरसों इज प्योरली मस्टर्ड। अच्छा, कालिया है, कालिया इज बेसिकली अनियन टमाटो बेस्ड थिक ग्रेवी। अच्छा, करी इज जैसे घर पे बनता है। ओके, प्लेन पतला ग्रेवी आलू बैगन देके। ठीक ठीक ठीक। तो ये 7 डेज ओपन है? सिर्फ होली में बंद रहता है, मतलब साल एक दिन बंद रहता है, हाफ डे, वो भी हाफ डे, वो भी हाफ। अरे क्या बात है। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग हम 11:30 से 10:30 तक ऑपरेशनल है। 10:30 to 10:30। मैं आपके लिए लगवा रहा हूँ मटन कौशा और चार लूची स्टार्टर्स, और उसके बाद पापड़ा सरसों और स्पेशल थाली। चलिए, क्या बात, थैंक यू दादा। शंकर दादा, ये शंकर दादा है। दादा एक बात बताओ, कल तो आपसे पूछ रहे थी, ये मटन का क्या नाम है? ये मटन कोसा है। मटन कोसा, ओके। ये कॉम्बिनेशन लूची के साथ। कॉम्बिनेशन लूची के साथ, लूची यानी पूड़ी। ये पूड़ी बेसिक, ये आटे की नहीं होती है, मैदे की पूड़ी, मैदे की पूड़ी है। लूची, लूची बेसिकली हमारे इसमें मतलब भटूरा नहीं बोला जाता। हाँ, छोटा भटूरा, छोटी बहन है। हाँ, ये अलग है, बंगाली फूड है, मैदे से बनता है ये पूरा। टेस्ट करो। अरे वाह, कल एक पीस का टेस्ट कर ले। लो दादा, आप एक पूरी एक दे देता हूँ मैं। क्या बात है। तो दादा कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 7 साल। अरे वाह यार, बड़े दादा, इसकी प्रिपरेशन कैसी है? अच्छा, अरे वाह। लो जी भैया, लूची साथ में पीस लिया, नली का पीस। क्या बात है यार, देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है यार। लो जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त बनाया एकदम, बिल्कुल लिपटा हुआ, मसाले अच्छे से अंदर गए हुए। अच्छा, हल्का स्पाइसी है लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये सरसों में बना हुआ है? अच्छा, प्याज टमाटर ग्रेवी, मसाला, मसाले आपके अपने नॉर्मल अंडे से? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कुल मिला के बहुत अच्छा है ये। सरसों में इसको भी देख ले भैया, टिपिकल बंगाली पास्ता, पापड़ा दाल, पापड़ा। वाह, ये कैसे बनता है? ये राइस से जाती है, देख सकते। वाह, इधर क्या बात है, सिंगल फिश है।
ये हाफ है, ये 170 इसमें कांटा बीच में रहता है। ओ ग्लोरी, ये 170 का, ये एक एक हाफ आपदा, क्या बात है। ये फ्राई होता है कैसे? अच्छा सरसों की ग्रेवी के अंदर। ओह वाह, इसको ऐसे खाए यार डर लगता है कांटे से। नहीं सिंगल बोन कांटा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बोन है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल मतलब बंगाली ऑथेंटिक बंगाली फूड है ये। हमारा दोस्त नहीं है मोहित, मैं मोहित यहाँ पे आए थे खाने। अच्छा और हमारे अजय भाई हैं साथ में, मतलब स्पेशली खाना यही खाते हैं। साथ ही सरसों का पिंच जो है ना एकदम मारता है ना। हाँ केतन कैसा राइस? थोड़ा सा राइस लेंगे भाई, और ये सरसों का ग्रेवी, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। इतना बढ़िया बेहतरीन टेस्ट पाजी, इश्क हो गया मैं बोलते हैं, इश्क मोहब्बत सब कुछ हो गई है। ये चीज़ें देखो सीआर पार्क में मिलेगी और मेरे का कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और ये टेस्ट बंगाली टेस्ट है भैया, अगर हम आए हैं तो हाथ से खाएंगे। वाह वाह, ऑथेंटिक बहुत बंगाली टेस्ट है ये। वाह ये देखा थी, इसको ऐसे खाया था यार। देखो आता है चलो तरीका है खाने का, फिश का मैं नहीं खा सकता ऐसे, मैं तो डर डर के खा रहा मैं, लेकिन तूने लपेट दिया पूरा, बोन अलग सिस्टम सारा गायब तेरा पेट में। ये होता है तरीका खाने का। चिंटू आप बहुत बढ़िया है खाने में, आपका तरीका बहुत लजीज फिश थी, नहीं बहुत लजीज। टोमेटो एंड मीठा चटनी, इसका भी मुझे टेस्ट आपसे पहुँचाए। हाँ हाँ राइस, उम्दा डिब्बे है ना। वाह आलू खसखस के, खसखस के अंदर, क्या बात है यार देखने वाला। ये ऑयल, ये भी सरसों का तेल है इसके अंदर, मतलब सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं आप। वाह क्या बात है, इसका भी टेस्ट सही है। गले आलू पोस्ता, पोस्तो पोस्तो, आलू पोस्तो बिल्कुल डिफरेंट, आज तक मैंने तो ऐसा खाया नहीं मेरे, बहुत हटके हल्का मसाला, ठीक है हल्का मसाला, ठीक है ठीक है, थोड़ा क्रीमी है, क्रीमी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नई चीज़ है ये बेसिकली, इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। हाँ ये आपका जैसे हमारे घर में आलू गोभी करते हैं, ये फ्राई है ये, ओके ये फ्राई है आलू गोभी नॉर्मल जैसे हमारे घरों में बनता है। गुड गुड गुड, इसका टेस्ट तो खैर जैसे हमारे घर जैसे ही होगा। भाजी आलू गोभी तो फेवरेट है ना, स्पाइसी बहुत बेसिक है, बहुत बुनियादी है, बहुत अच्छा है जैसे हमारे घरों में बनता है। सेम है। दाल का भी टेस्ट भी ले लें भैया, दाल हमने ली थी, एक दाल का टेस्ट, मूंग की दाल बहुत अच्छी बनी हुई है, दिख रही है गाढ़ी गाढ़ी, सेम जो हमारे घर में बनती है, बहुत उमदा, बहुत बढ़िया। वेट की वाह, ये देख लो केले के पत्ते में स्टीम करके, वाह होए होए क्या बात है। इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस सर ये हाफ है, ये टू थर्टी इसका रेट है। अच्छा फोर फिफ्टी का रहेगा ये भेट की फिश है, भेट की इसमें कांटा, इसके अंदर कांटा होता है। अच्छा बोल रहे सही है, तो इसको कैसे ऐसे खाएंगे, किसी के साथ खाएंगे इसको? ये किस चीज़ में आपने बनाई हुई है? सरसों में बनाई हुई है। लो जी ये देखो क्या बात है, ऊपर ये इसका कौन सा मसाला है, बेसन है क्या ये? ये बेसन नहीं सरसों है, ऊपर सरसों है। लो जी सरसों की परत लगा रखी है उन्होंने, सरसों की परत, वाह बहुत शानदार, बिल्कुल नया जायका मेरे लिए। आपने खा रखा पहले? नहीं मैं आज पहली बार खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया देखने में, बहुत बढ़िया लग रहा है, गरम
बहुत उम्दा है यार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट टाइम मैंने चीज़ खाई है, और सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा, बहुत ही बढ़िया। कोई भी चीज़ लो, बहुत बढ़िया, एक से एक है, इसका कोई जवाब नहीं, मरने का कोई जवाब नहीं, बहुत बढ़िया, साफ सुथरा खाना, हल्का फुल्का, हल्का हल्का खाना, ज़्यादा मसाले नहीं है। क्या बात है, माचे ढोल, आप देख सकते हैं बिल्कुल पतले तरी रहू फिश है ये, इसका भी टेस्ट आप तक हो रहा है। इसका क्या प्राइस है? 100 रुपये। ओके वाह, देख सकते हो ये फ्राई है, ये फ्राई रोड मच्छी माछा ढोल रोड देख के खाना में काटा होगा। और भैया पहले अच्छा रहू फिश है भैया, ये बहुत लिमिटेड मसाले हैं इसके अंदर, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं है, हल्का कलर, बहुत शानदार खाना हमारा हो गया फिनिश। और अब आए हैं हमारा स्वीट डिश, पहले दादा इसका बताओ ये क्या है? ये पायस, पायस बंगाली, कैसे बनता है ये? गुड़ से जैगरी। वाह, कितने का है ये? ये है 50 रुपीज़ पर। 50 रुपीज़ पर, क्या बात है। और ये क्या है? ये भी गुड़ का रसगुल्ला। अरे वाह 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 वाह, ठंडे के मौसम में चलता है ये, गुड़ का रसगुल्ला। वाह, और ये मिष्टी दही, ये कैसे बनती है? दूध से मिक्स करके बनता है। तो पहले भैया हम टेस्ट पहुँचाए इसका, क्या नाम बताया था? पायस। गुड़ से बनता है भैया ये? छोटे चावल से, गोविंद चावल, गोविंद भोग, गोविंद भोग चावल गुड़ के साथ। वाह डिवाइन, नो वर्ड्स, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ये टेस्ट है ही नहीं आता, ये टेस्ट कहीं और कहीं आ रही है। बहुत शानदार दादा, मज़ा आ गया, कमाल ही कर दिया, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने खाया था ये, बहुत शानदार। खीर से डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है खीर से, खीर तो है ही नहीं है ये, अलग, ये रबड़ी भी नहीं है कह सकते उसको, हाँ। अलग ही चीज़ है यार ये। पायस अच्छा, कितना टाइम लगता है? 3-4 घंटा। वाह, समझ गया मैं, बहुत शानदार। और ये रसगुल्ला, गुड़ का रसगुल्ला, केतन यार निकल रहा भैया, ये मज़ा आ गया भाई, स्पॉन्ची ये, अरे वाह, ये भी, ये भी 50 का क्या? इसका क्या प्राइस है? 30 रुपये। वाह, स्पॉन्ची गुड़ का रसगुल्ला, कोई जवाब, कोई जवाब नहीं है ना। वाह, और मैंने तेरे को कहा था नहीं खाने के लिए यार, इसको टेस्ट करेगी बनी, मैं वो तो टेस्ट बाद में करूँगा, पहले ये टेस्ट नहीं जा रहे मेरे। हाँ तो जाएंगे ही नहीं, एक घंटे तक नहीं जाएंगे मुझे। बहुत शानदार, ये तो दादा लाइफ बना दी यार आपने, ये तो हमारे लिए ना जगह, ये बार बार आने के लिए जगह ही है। खाना हल्का, उसके ऊपर से ये स्वीट डिश, ये तो तारीफ, अमृत, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी दही नहीं कूलर के अंदर, ये मिष्टी दही। वाह, मुँह में ज़्यादा घुल जाएगी, देखिए क्या बात है यार, मिष्टी दही सब, इसका टेस्ट अलग, इसका टेस्ट अलग। अब इसकी बारी है भैया, ये कितने का? 40 रुपये, 50-30-40 ऐसे, मिष्टी दही, क्रीमी अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन मुझे जो बढ़िया लगा ये दोनों, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है, गुड़ का रसगुल्ला, और ये गुड़ की खीर है लेकिन एक छोटे चावल की खीर है ये, लेकिन गोविंदो गोविंदो भोग, गोविंदो भोग, गोविंदो भोग। वाह, 25 लोग बैठ सकते हैं, ये अंदर का स्पेस है,
हमने फिर बाहर खाया, हमने हम अंदर भी बैठ के खा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह, बहुत शानदार। मतलब कभी आज लाल को अच्छा क्रिसमस के चक्कर में बैलून लगे हुए हैं। ओके वाह, लास्ट टाइम जब आप आए थे कहाँ बैठे थे? अंदर बैठे थे। बहुत बढ़िया जगह है, एक बार तो ज़रूर बनता है यहाँ पे आके खाना, जरूर आपको जरूर रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आने के लिए। फाइन डाइनिंग है, बहुत अच्छा है, खाना बहुत हल्का, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत खाना। मतलब ऐसा खाना हमने, मेरे फर्स्ट टाइम खाया, तू शायद खा चुका था पहले, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा खाना खाया। आप भी आइए यहाँ खाइए और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर कीजिएगा यहाँ यहाँ पर आने के बाद। फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट, शेयर, और जिसे सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन, ऑल वाला बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है भाजी, बहुत बढ़िया भाजी, मज़ा आ गया। हमारे साथ जुड़े रहे आशीष दत्ता फूडी चैनल, देखते रहे, आने वाली वीडियोज़ बहुत अच्छी आ रही है हमारी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए हमें, और हौसला अफजाई हमारी करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी यहाँ फॉलो कर सकते हैं। शब्बा खैर, शब्बा खैर, बाय। अमी तुम आगे भलोबासी।